हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पके हुए केले के पकोड़े बनाएंगे। आप देख सकते हो मैंने एक छोटी सी कढ़ाई में बेसन ले लिया है, चने का लोट ले लिया है। और जब तक हम केले के पकोड़े की तैयारी करें, तब तक मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए भी रख लिया है फ्रेंड्स, ताकि जल्दी से मेरा काम हो जाए। आप देख सकते हो मैंने बेसन में 1 टेबलस्पून जीरा ऐड किया है फ्रेंड्स। उसके बाद 2 टेस्ट नमक ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हो। उसके बाद 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे और इसमें पानी ऐड करके हम अच्छा सा बैटर बना लेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मैंने पानी ऐड करके अच्छा सा बैटर बना लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 पके हुए केले लिए हैं फ्रेंड्स। केले बहुत ज़्यादा पके ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये पके हुए ही केले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गल नहीं गए, ऐसे केले हैं। अपने हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे फ्रेंड्स, बहुत बहुत पतली भी नहीं कट करने, आप अपने हिसाब से इसे अपनी पसंद से कट कर सकते हो। और जो ये बेसन का बैटर हमने बनाया है इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में स्वीट से लगते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसे पकौड़े को फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। आप देख सकते हो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो ये है मेरे पके हुए केले के पकोड़े, आप एक बार ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। ये खाने में स्वीट से मीठी से लगते हैं फ्रेंड्स। और आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।